प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी जस्ट एसएससी सीजीएल 2024 वाले एग्ज़ाम हुए हैं। आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा, बहुत अच्छा खासा आपका एग्ज़ाम गया होगा। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनको लग रहा है कि यार हमारा तो बहुत गजब का स्कोर होगा, उन लोगों ने मेंस की तैयारी करना भी शुरू कर दी होगी। बाकी बहुत सारे कैंडिडेट बेचारे 50-50 की कंडीशन में हैं, वो सोच रहे हैं कि यार रिजल्ट आने पर ही पता चलेगा कि हमारा होगा या नहीं होगा, क्योंकि उनको कट ऑफ के बारे में भी फिक्स पता नहीं चल पाया। उनको स्कोर को लेकर तो फिक्स है कि हमारा इतना स्कोर हो सकता है, लेकिन कट ऑफ को लेकर वो कन्फ्यूज हो रहे हैं कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल की प्रीलिम्स एग्ज़ाम की कट ऑफ के बारे में। बहुत ही सटीक तरीके से हम यहाँ पर एनालिसिस किए हैं, इसी एनालिसिस के बेस पर हम आपको एक बहुत ही सटीक अनुमान बता रहे हैं। इस कट ऑफ को लेकर कट ऑफ है लगभग इसी रेंज में जाने वाली है। यदि आपका स्कोर इस रेंज में रहता है तो आपको पूरे डेडिकेशन के साथ आज से मेंस की तैयारी में लग जाना है। यदि आपको ये हमारा अनुमान सही लगता है तो आपसे केवल इतनी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, और लाइक तो बनता ही है क्योंकि उससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। तो चलो अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया होगा। मेल फीमेल की इसमें जो कट ऑफ है बराबर जाती है। देखो जनरल की जो कट ऑफ है वो 133 से 135 के बीच में रहने वाली है, ओबीसी की 131 से 133 के बीच में, एडब्ल्यूएस की 128 से 130 के बीच में, एससी की 117 से 119 के बीच में और एसटी की 111 से 113 के बीच में। यदि आपका स्कोर इस रेंज में है तो आपको मेंस की तैयारी भी आज से ज़बरदस्त तरीके से लग जाना है। पूरे डेडिकेशन के साथ पूरी ताकत लगा देनी है मेंस की तैयारी में, ताकि आपका मेंस में बहुत गजब का स्कोर हो और आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नंबर आ जाए। अनुमान सही लगा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना और अपने सभी दोस्तों के साथ एक बार ज़रूर शेयर करना। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस भर्ती के संबंध में जो भी खबर आएगी मैं इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।